इस बहन को पिछले 6 महीने से सांस लेने में दिक्कत होती थी। वह कहीं पर ही खड़े खड़े इन्हें चक्कर आ जाते थे और फिर 10-15 मिनट तक इन्हें होश नहीं आता था। इन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया पर कोई आराम नहीं आया और डॉक्टर ने जब रिपोर्ट की तो वह रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। फिर इन्होंने तांत्रिकों के पास लेकर गए और तांत्रिकों के पास जाकर ये बहन खेलने लगी और फिर तांत्रिक ने इनका इलाज करके इन्हें घर भेज दिया। और जब ये घर आए तो इनके हालात पहले से भी ज़्यादा खराब हो गए। फिर इन्होंने चमत्कार चर्च के बारे में पता लगा और वह इन्हें चर्च में लेकर आए और फिर प्रार्थना करवाई, वह फोन पर भी प्रार्थना करवाई। उसके बाद ये बहन बिल्कुल ठीक है। हालेलुया, इस हीलिंग के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया इसलिए उसका धन्यवाद करते हैं। 6 महीने से जो दिक्कत थी उसने मुझे सही कर दिया इसीलिए उसका धन्यवाद करती हूँ दिल से। मम्मी डैडी सब परेशान थे मेरे लिए, घर वाले, मेरे पति, मेरी सास ससुर सब परेशान थे। 6 महीने से मुझे प्रॉब्लम थी इसीलिए परमेश्वर ने मुझे चंगा किया उसका धन्यवाद करती हूँ। जो मुझे दुष्ट आत्मा से उसने चंगा किया उसका धन्यवाद करती हूँ मैं परमेश्वर का। और आपने लिखा जब चक्कर आते थे तो हाँ चक्कर 10-15 मिनट तक होश नहीं आता था। होश नहीं आता था मुझे 10-15 मिनट तक होश नहीं आता था। मुझे नहीं पता रहता था मुझे क्या हो रहा है, मेरे आसपास है कि नहीं कोई है। तो होश आने के बाद डॉक्टर कहने लगे, परिवार वाले कहने लगे कि डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इसको दिखा लेते हैं। तो फिर वो डॉक्टर कहता था इसे कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ले जाओ तुम घर पे। तो कहने लगे घर वाले इसको बहुत डॉक्टर के पास दिखा लिया, हम कोई तांत्रिक के पास देख लो। कोई कहने लगे कि दिखा लो इसको, इसको हो ही कोई प्रॉब्लम है। तो मुझे वहाँ पर भी लेके गए तो वहाँ पर मुझे झाड़ू से मारा उसने। तो फिर घर पे आई फिर जाके ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी। फिर मेरे सास ससुर ने मेरी मम्मी को फ़ोन किया, उसको घर पे बुलाया, कहने लगे एक बार फिर डॉक्टर के पास दिखा लेते हैं इसको। फिर डॉक्टर के पास कहने लगे, डॉक्टर कहने लगे इसको अब दवाई दे देते हैं, इसको ले जाओ, इसमें फ़र्क नहीं पड़े ना, फिर जाके इसको एक बार लेके आना, फिर इसको भर्ती कर देंगे यहाँ पे, इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। तो मम्मी डैडी घबराने लगे, कहने लगे कि आपने आपकी कोशिश कर ली तो हम अपनी कोशिश करेंगे। हम डॉक्टर कहते हैं दिमाग की हालत ठीक नहीं। हाँ उसने कहा कि इसको दिमागी प्रॉब्लम है, जैसे कि इसको भर्ती करने पड़ेगी, 2-3 दिन की दवाई ले जाओ। तो फिर मम्मी डैडी कहने लगे कि वो देखते हैं, देख लो आपने कोशिश कर ली तो हम कोशिश करेंगे अब। फिर जाके मोबाइल पे निकाला कि यहाँ के चर्च के, फिर मम्मी डैडी यहाँ पे लेके आए, तब से ठीक हो। इसीलिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे चंगा किया। 6 महीने से मैं प्रॉब्लम में थी, सभी घर वाले परेशान थे, आपने मुझे चंगा कर दिया इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की।